शंभूराजे, तुम्ही बादशहांचा कंठा घेतला नाहीत? आबासाहेब, त्यांचा कंठा गळ्यात घातला असता तर आई भवानीच्या कवड्यांच्या माळेजवळ तू शोभला नसता आणि पटलाही नसता. शपाश शंभूबाळा, पण खुबीनं नाही म्हणालात ना? हो आबासाहेब. भगवंता, आम्ही काही आता राहत नाही, येऊन जा रे. मला दिन ब दिन बिमारी वाढती जा रही है. शंभूराजे, आता नीट ऐका. आपली इकडनं सुटका नाही हे निश्चित. त्या औरंगजेबाची नियत फिरली. बाहेरही तीच चर्चा आहे, आपण आज ठार मारणार म्हणून. आम्हासही खात्री आहे, पुरते फसलो आपण. मग आता बाहेर कसं पडायचं? पहिल्यांदा हवेलीतून बाहेर पडायचं म्हणजे दोन पहारे मोडायचे. पहिला फौलाद खानचा आणि दुसरा. फौलाद खानाच्या वरही बादशहानं एक गुप्त पहारा ठेवला असणार एवढं नक्की. आता ह्या दोन पहाऱ्यातून बाहेर पडायचं आणि त्यानंतर आग्र्यातून बाहेर पडायचं. आता आग्र्यातून बाहेर कसं पडायचं, कुठे पडायचं आणि आग्र्यातून बाहेर पडल्यानंतर राजगडापर्यंतचं अंतर विजेच्या वेगानं कापायचं, हे तीन टप्पे. पण तीनही भयंकर टप्पे. मग बाहेर कसं पडाव? तेच सुचत नाहीये. आम्ही असे इथे या बंदीखान्यात अडकून पडलेलो आणि समोराजे अशी परिस्थिती, असं अघटित पूर्वीही घडून गेलंय. द्वापार युगात कृष्ण जन्मच होय. एक बाप त्याच्या मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी तळमळत होता आणि दुसऱ्या बाजूने तो कंस त्याचा जीव घेण्यासाठी असुसला होता. धुआधार पाऊस पडत होता, यमुनेला पूर आला होता. अशा वेळी वासुदेवानं त्या पोराला पाटीत ठेवला, पाटी डोक्यावर ठेवली आणि यमुनेच्या पाण्यात उतरला. त्याने यमुना पार केली आणि बाळकृष्णाला कोकोयात सोडला सुखरूप. त्यांनी त्याची जबाबदारी पूर्ण केली. मग इथे वासुदेव कोण होणार? तुम्ही. आम्ही? होय शंभूराजे, तुम्ही. तीच यमुना, तोच कंस, तीच रात्र आणि तोच भयान अंधार आणि वासुदेव तुम्ही. आबा शंभूराजे, हे बघा, आम्ही असे इथे आत अडकून पडलो आहोत पण तुम्ही बाहेर जाऊ शकता. तुम्हाला या सगळ्या हालचाली करायच्या आहेत. आता काय करायचं, कसं करायचं ते आम्ही तुम्हाला सांगत जाऊ. आणि तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. बहिरीजी नाही, रघुनाथ पंत, सर्जेराव जेधे सगळे तुमच्या बरोबर आहेत. सुनो सुनो सुनो, आग्रा के नगरजनो और कुश्ती के चाहने वालो, परसो सुबह के दूसरे प्रहर में शाही बाग में अली हसन और जलाल खान की कुश्ती का जंगी सामना होने वाला है. कुश्ती? कुश्ती, पण औरंगजेब बादशाहशी. हो आबासाहेब, पण आबा, निकाली करायची आणि बादशहाला करायचा म्हणून करायचा चितपट. देखिए भाई साहब, आपने ये जो सुराही पसंद की है ना, ये इन सारी सुराहियों में से बेहतरीन है. दाम तो लगेंगे. अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो आप. सेठ जी, इसमें पानी इतना ठंडा हो जाता है कि धूप में अगर पिएंगे ना, सुकून महसूस करोगे.
पिछली बार मैं आपके यहाँ से सुराही ले गया था, बड़ी तारीफें कर रहे थे, पर पानी तो ठंडा होता नहीं। देखिए सेठ जी, वो मेरी बनाई हुई सुराही नहीं होगी। आप बादशाह के महल में जाके देख आओ, मेरी ही बनाई हुई सुराही रखते हो। अरे छोड़ो, मैं नहीं मानता आपकी बात को। सेठ जी, मैं गलत बात करता ही नहीं, माँ एकुरा देवी की कसम। माँ एकवीरा, एकवीरा आई आग्र्यातील माणसाच्या तोंडी एकवीरा देवीच ना। बघूया की, चला। अरे आई आई है साहबजादे, आई है, ले लीजिए सुरई, ले लीजिए, किफायती दाम में है। राम राम। राम राम। मावळतलं का? मावळतलं? हो होय होय, मावळतलंच की। पर तुम्ही? हे शंभूराज, शिवाजी राजांचा लेख। अरे वा 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 वा, म्हणजे घरची माणसं भेटली म्हणायचं की। अहो साक्षात शिवाजी राजांचा लेख आमच्या समोर उभा आहे, नशीब उघडलं बघा आमचं। बरं ओळखलं तुम्ही? हा, एकवीरा देवीचं नाव घेतलं म्हणून ध्यानी आलं। केव्हापासून आता आग्रा? ही दुसरी डुई, लहान होतो तेव्हा बापा बरोबर आलो होतो, काळूजी कुंभार म्हणतात मला। आग्र्यातली सगळी लोक काळू सुराईवालाच म्हणतात। कुठे राहता? या काय, तो दूर दिसतोय ना तिथ, तो जो दूर आहे ना तो आपल्याच भट्टीचा दूर आहे। घ्या सुराई, घ्या सुराई, पाहिजेच होती की, द्या। हे आमचे काका, हिरोजी फरजन काका। राम राम। अस अस, आओ घ्या की, आणि दाम न घ्या मला। नग नग, अहो राजांची माणसं आणि खुद शिवाजी राज पाणी पिणार असत्याल तर माझ्या मातीच सोनं होईल बघा। नग दाम नग मला। अहो राहू द्या, महाराजांच्या तर्फे अजून सुरई लागतील, घ्या। शिवाजी राजे, शिवाजी राजे। जी खान साहब। मिजाज कैसे है आपके? अब लेटे रहिए, लेटे रहिए, आराम फरमाइए। हाँ साहब, आदाब। आपके हालात कुछ दुरुस्त नहीं लग रहे। क्या करूं, बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। राजे साहब, आप आराम फरमाइए, बातें कम कीजिए, हकीम साहब ने अब बहुत असरदार दवा दे दी है। दवाइयां खा खा कर थक गए हैं हम। अगर खां साहब, इस सब की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख दिया हमने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको एक खबर देने आए थे। आपने बादशाह सलामत से गरीबों में मिठाई बांटने की इजाजत मांगी थी। नहीं मंजूर हुई। अरे राजे, उन्होंने इजाजत कबूल कर ली है। खां साहब, उपकार किए, बड़े उपकार किए। सच में बादशाह सलामत बड़े दयालु है, और खां साहब आप तो आप हैं। जैसे नाम फौलाद खान, वैसे काम भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये मिठाई बांटने की कैसे सोच ली? खां साहब, जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। गरीबों को मिठाइयां बांटने से उनकी दुआएं लगती है, और वो भगवान जल्दी सुनता है। सही फरमाया आपने। और दूसरा कौन सा रास्ता है हमारे पास?
जगदम्ब। राजे, यहाँ से दूर एक मस्जिद है, उसके सामने ही अच्छी मिठाई की दुकान है, हम वहां बता देंगे। अरे नहीं नहीं खान साहब, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? आपके तो हम पर पहरे हैं। वो तो चलता ही रहेगा, हम उसमें बहुत माहिर है। शंभू राजे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शंभू राजे? हाँ आसाम होंगे यहीं कहीं पर, बच्चा है, नई जगह देखने का मन करता होगा। और देखिए ना, हम यहाँ ऐसे बीमार पड़े हुए हैं, अकेले ही निकल जाते हैं कभी कभार सैर करने के लिए, बस आते ही होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। हाँ साहब, हम चाहते हैं कि मिठाई की पहली टोकरी आपके घर जाएगी, इनकार मत कीजिए, हमें सुकून पहुंचेगा। ठीक है। आइए जनाब, आइए, लीजिए ये मिठाई चखिए, स्वाद देखो, मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। और खुशबू तो देखिए, पूरे आगरा में हमारी एक ही दुकान है। सही बात, मिठाई अच्छी है, मीठी भी है, लेकिन एक बात है, आम्ही रोज घेणार मिठाई। हाँ हाँ, कितनी मिठाई लोगे? एक शेर, दो शेर? ज्यादा चाहिए। कितनी? पांच शेर, छह शेर? 40-50 शेर रोज की लेंगे हम। कोई जश्न है? वाह, माफ कीजिए, जश्न तो नहीं। फिर अब क्या कहे आपसे और क्या छुपाए, हमारे पिताजी बीमार है, वैद्य हकीम को। आपको पहचाना नहीं हमने? ये शिवाजी राजे के फर्जंद है, शंभू राजे। ओहो, शिवाजी राजे जो दक्खन से आए हैं, बड़े सुरमा है। अरे जनाब, पूरे आगरा में चर्चा है, बादशाह के सामने शेर की तरह दहाड़े, पूरा दरबार सकते में आ गया था। जी हो, धन्य भाग हमारे। हलवाई काका, मिठाई ऐसे बनाइए कि खाने वाले के मुंह से दुआएं निकले। हाँ हाँ बिल्कुल, पर भेजोगे किसमें मिठाइयाँ? ऐसी छोटी टोकरियां नहीं चलेंगी? वह बंदोबस्त हम करेंगे, शाही मिठाइयाँ पिटारे में जाती हैं, उस पिटारे में ही मिठाइयाँ भेजेंगे। तो फिर अच्छा है। आप कतई चिंता ना करें, मगर हमारी एक नम्र अर्ज है, राजा साहब ने अगर हमारा एक लड्डू भी खाया तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। हो, आम्ही सांगू आबा साहेबांना। क्या कहूँ, जब दरबार की बातें याद आती है, दिल करता है पूरे आगरा की बादाम वाली आला दर्जे की ठंडाई बांट दूं। अच्छा? हाँ जनाब, आप नहीं जानते, मेरी दुकान की ठंडाई पीने दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े बड़े पहलवान मेरी दुकान की ठंडाई पीते हैं। कल शाही बाग में कुश्ती खेलने वाले हैं, वहां पहलवानों के लिए मेरी दुकान से ही ठंडाई जाने वाली है। महाराज, खाल्लं नाही तर कसं चालेल, काल रात्रीही खाल्लं नाही। रामसिंग। तुम्ही लोक आता आम्हाला सुखान जाऊ द्या। महाराज, आइए आइए, रामसिंग आइए। महाराज, आपकी तबीयत तो हमारी मानिए, थोड़ा खा लीजिए। घास फिर तो सवाई के लिए। कुछ करने का मन ही नहीं होता। महाराज ये क्या, सारे आगरा को मिठाई खिलाई आपने और आप खुद ने खाना छोड़ दिया,
तो ऐसे क्यों बुलाया हमें? कुंवर, हम जब दक्खन से आगरा आए तो हमारे साथ सिपाही सालार भी आए थे। अब आप देख ही रहे हैं, हमारी बीमारी तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, ना दवा काम कर रही है ना दुआ। थक गए हैं हम। महाराज धीरज रखिए। नहीं कुंवर, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और यहां से छुटकारा भी तो नहीं पा सकते। तो सवाल यह है कि इन रसालों का हर रोज का खर्चा, दान धर्म का खर्चा अब हमसे संभलता नहीं। कुंवर जी, अब हम राजा भी तो नहीं रहे। महाराज दिल छोटा ना करे। हमारे आदमी ही हमसे कह रहे हैं कि हमारी वजह से वो फंस गए। अब हमारा साथ तक नहीं देना चाहते और हमसे भी उनका हमसे भी उनका खर्चा संभला नहीं जाता। तो क्या चाहते हो आप? कुंवर जी, आप अगर बादशाह सलामत से बातचीत करके रसालों को वापस दक्खन भेज देने की इजाजत लेते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी महाराज, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हम भी मानते हैं कि अब इतने लोगों की यहाँ जरूरत नहीं। अब आप हमें आज्ञा दें और आराम फरमाएं। जी शुक्रिया। रामसिंह जी, जहां अपना कुंवर शंभू कुश्ती का मजा ले रहे हैं, लगता है ये कुश्ती के बहुत शौकीन। शंभू राजे, जहां पर आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, दंगल के बड़े शौकीन हो आप, ऐसा पूछ रहे हैं? जी बादशाह सलामत, हम दंगल का शौक रखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या लगता है हमारे पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ाना पसंद करेंगे? खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, लेकिन इन पहलवानों के साथ नहीं। क्या डर गए? जी नहीं जापना, ऐसे पहलवानों को तो हम अपने हाथों से इनाम अकराम देते, और इनसे खेलने में हमारी कोई शान नहीं। तो फिर अगर हमारे बराबरी का कोई पहलवान या शहजादा हो तो हम अभी के अभी लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। वजीर सल्तनत शंभू राजे पर कड़ी नजर रखी जाए। वो लड़का बहुत तेज है, चालाक है। जी जापना, पहले दिन से उसकी चालाकी नजर आ रही है। सिवा से भी ज्यादा शातिर और होशियार हो। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि एक छोटा सा बच्चा शहंशाह के सामने बेखौफ होकर बात करता और दूसरी तरफ हमारी औलाद फरजत वो अमरूद का मजा लूट रहा है। जहापना, शंभू का दरबार में आना जाना बंद करें, उसकी हाजिरी बंद करें। बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना खबरदार रहना कि उसकी हर हलचल पर नजर रखना। जी हुजूर। एक और बात, उसके दिन का हर लम्हा कैसे गुजरता है उसका एक एक हिसाब रखना। एक खुशखबर है जापना, फिदाई हुसैन की हवेली का काम तकरीबन पूरा होने को है। बहुत खूब, तो वाकई खुशखबर। जापना, आपने तय कर लिया है? हाँ वजीर,
अब तो उसे अव्वल मंजिल तक पहुंचाना ही होगा, तभी हम चैन की सांस ले पाएंगे इंशाअल्लाह। शिवा के साथ साथ शंभू को भी खत्म किया जाएगा।